पावर प्लांट डिस्कशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर दबाएं, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फ्रेंड, पावर प्लांट डिस्कशन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चंदन पाठक आप लोग के लिए एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। इस टॉपिक का नाम है रैंकाइन साइकिल। यह मैंने टॉपिक इसलिए चूज किया कि जो मेरा पहला वीडियो था थर्मल पावर प्लांट का बेसिक जो बनाया था, वो थर्मल पावर प्लांट इसी साइकिल पे काम करता है। तो इस साइकिल को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए। जितने भी दोस्त पावर प्लांट में काम करते हैं या जो पावर प्लांट को जानने के बहुत इच्छुक हैं, उनको इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहिए कि कैसे हमारा थर्मल पावर प्लांट काम करता है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू, तो अपना वीडियो रैंकाइन साइकिल टॉपिक पर बात करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं पिछला वीडियो जो बनाया था थर्मल पावर प्लांट का बेसिक, उसमें मैंने इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझाया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डायग्राम तो बहुत अच्छे से आता ही होगा। फिर भी अगर आपको ये वीडियो, अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक दे देता हूं, वहां पे जाके आप अपना वीडियो ये चेक कर सकते हैं। क्योंकि मैं पूरा डिटेल तो यहाँ पे बता नहीं पाऊंगा, बस केवल थोड़ा सा आपको, जब अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको हिंट दे दे रहा हूं कि क्या क्या चीज होता था। और प्लीज आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरा वीडियो वो चेक कर लीजिए। यहाँ पे बीएफपी था, यहाँ पे बॉयलर था, ये हमारा टरबाइन होता था और ये हमारा कंडेंसर। देखिए, हमारा क्या होता था, यहाँ पे वर्किंग लिक्विड को लो प्रेशर से हाई प्रेशर पर बॉयलर को प्रोवाइड करवाते थे पंपिंग एक्शन से। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप था जो कि बहुत ही इंपेलर, स्टेज टू स्टेज इंपेलर, बहुत सारा इंपेलर लगा रहता था और ये पंप करके बॉयलर को देता था। बॉयलर में क्या होता था, यहाँ पे हमारा हीट का कंबसन करवा के हीट यहाँ पे प्रोड्यूस करते थे और यहाँ से स्टीम बनाते थे। स्टीम हमारा हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर का स्टीम हमारा टरबाइन को जाता था। टरबाइन में क्या होता था, हमारा ये हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता था, यानी टरबाइन का शाफ्ट जो है रोटेटिंग मोशन में कन्वर्ट हो जाता था। यहाँ पे हम लोग स्टीम बनाए, इस स्टीम से हम लोग यहाँ पे टरबाइन को रोटेट कराया और ये जो हमारा प्रेशर, अब यहाँ पे प्रेशर हाई था, यहाँ पे लो हो गया। लो प्रेशर लो टेम्परेचर का वेपर हमारा यहाँ पे रहता था, वो एक कंडेंसर इक्विपमेंट होता था जहां पे हम लोग वाटर का सर्कुलेट करवाते थे और इस स्टीम को कंडेंस करके हमारा कंडेंसर के अंदर कंडेंस किए थे और एक हॉटवेल रहता था यहाँ पे, हॉटवेल में स्टोर करके फिर से हम लोग वेपर के थ्रू रिस्टोर करके फिर से सर्कुलेशन करते रहते थे। अब हम इस डायग्राम को फ्रेंड चलते हैं, हम इस थर्मल पावर प्लांट को रैंकाइन साइकिल को कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं पीबी और टीएस डायग्राम के अंतर्गत, टेम्परेचर एंड ट्रॉपी डायग्राम और प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम के अंदर कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। ये होता है एंट्रोपी, देखिए एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी होता है मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस कि कितना रैंडम से वो मूवमेंट जिगजैग मौसम में, कितना जितना टेम्परेचर किसी भी मॉलिक्यूल्स को दोगे तो वो जितना मूव करेगा तेज मूव करेगा, अगर उसको टेम्परेचर उसका कम कर दोगे तो उसका मूवमेंट कम हो जाएगा। तो ये हमारा टेम्परेचर जो होता है एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है कि उसका एवरेज एनर्जी कितना है, और एंट्रोपी जो शो करता है वो ये शो करता है कि हमारा कितना उसका मूवमेंट है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कितना है। तो देखिए एंट्रोपी और ये टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल इतना ही आप एंट्रोपी के बारे में जानिए। और चलिए अब देखिए क्या होता है, टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम के बीच में दो लाइन होता है, इन दोनों कर्व के बीच में रिलेशन जो है, एक होता है हमारा लिक्विड लाइन और इधर से होता है हमारा वेपर लाइन। कहने का मतलब कि ये लाइन में जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट होगा वो लिक्विड फेज में रहेगा और जो भी सब्सटेंस जो है हमारा इस फेस में आएगा वो होगा हमारा वेपर फॉर्म में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इधर हमारा जो है वो लिक्विड जोन है और इधर क्या है वेपर जोन, और इधर क्या है लिक्विड प्लस वेपर, मतलब इसके अंदर लिक्विड प्लस वेपर दोनों होगा। एक पॉइंट आता है, यहां पे हम लोग का ड्राइनेस फ्रैक्शन जीरो होता है, यहाँ पे हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन वन होता है। देखिए ड्राइनेस फ्रैक्शन के बारे में आप लोग अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे तो ठीक है,
ये दिखाता है कि हमारा जो स्टीम है वो कितना ड्राई है। अगर इससे कम होगा, अगर हमारा वैल्यू इधर कहीं पे रहेगा तो हमारा, अगर यहां पे रहेगा तो 80% है, 20% है, 30%, ये शो करता है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन, ये शो करता है कि हमारा स्टीम कितना ड्राई है। इसके बारे में भी अगर आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं इसको बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए देखते हैं, ये क्या होता है कि हमारा जो लिक्विड लाइन है और हमारा वेपर लाइन, एक ऐसा पॉइंट आता है जब हम इसको बढ़ाते जाते हैं तो एक पॉइंट पे जाके ये दोनों मर्ज कर जाता है। मैं मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, लेटेंट का हीटिंग करवाते हैं, लेटेंट हीटिंग। अब एक ऐसा आता है कि टेम्परेचर को हम बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा पॉइंट तक ले जाते हैं प्रेशर और टेम्परेचर को, जहां पे कि हमको बॉयलर के अंदर ले जाने के बाद लेटेंट हीट का कोई आवश्यकता नहीं होता है। हमारा जो वाटर होता है डायरेक्ट किसमें, वेपर में कन्वर्ट हुआ मिलता है। तो ये जो पॉइंट है जहां पे हमको लेटेंट हीट जीरो हो जाता है, यानी कि हमको हीट का एडिशन बॉयलर में स्टीम बनाने के लिए जरूरत नहीं पड़ता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट पे हम लोग का जो वैल्यू होता है प्रेशर और टेम्परेचर का, उसके बारे में हम लोग एक थोड़ा सा नोट्स लिख लेते हैं, इसके बारे में कभी बाद में बात होगा। प्रेशर जो होता है वो 221 बार होता है, याद रखिएगा बार में लिखा हूं, अगर केजी में होगा तो थोड़ा सा इसका वैल्यू बार से केजी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है 374.5 डिग्री सेल्सियस, अप्रोक्स 375 डिग्री सेल्सियस होता है कहीं। तो देखिए, हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे यहां से स्टार्ट करेंगे कि हमारा बीएफपी यानी बॉयलर फीड पंप से हम लोग क्या करते हैं, बीएफपी हम लोग क्या किए, लिक्विड लाइन में कुछ टेम्परेचर होगा, तो मान लीजिए हमारा कुछ टेम्परेचर यहां पे है, इस टेम्परेचर से हम लोग पॉइंट को अप करते हैं यहां पे लिए, और हमारा प्रेशर राइज करा है, तो मान लीजिए कि हमारा ये प्रेशर थोड़ा सा राइज किया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बॉयलर से ले जाने से पहले हम लोग टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यहां पे एक इक्विपमेंट लगाते हैं जिसको बोलते हैं इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर जिसमें बहुत सारे ऐसे वाटर ट्यूब्स होते हैं, इसके अंदर वाटर इन होगा, यहां से आउट होके फिर यह ड्रम में चला जाएगा। तो ये हमारा होता है प्रोसेस, यहां बीएफपी से ही ये कनेक्ट रहेगा, सॉरी, ऐसे करके हमारा ये इकोनोमाइजर से होते हुए आपका बॉयलर में चला जाएगा। तो ये जो राइज होता है यहां पे फेज चेंज नहीं होता है, यहां पे यानी सेंसिबल हीटिंग होता है, सेंसिबल हीटिंग। तो देखिए, हमारा सेंसिबल हीटिंग होगा तो हमारा फेज चेंज नहीं होगा, तो हमारा किस फॉर्म में रहेगा, इधर ही रहेगा। तो मान लीजिए हमारा टेम्परेचर बढ़ाया तो ये राइज कर रहा है टेम्परेचर, तो हमारा राइज कर करके यहां पे आया, हम बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर हम लोग इसको हिट कर रहे हैं। तो हमारा इस पॉइंट पे अभी भी यह क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। अगर हम इसका टेम्परेचर यहां पे इतना बढ़ाते कि हमारा यहां तक आ जाता तो हमको डायरेक्ट सुपर हीट करने की जरूरत था, बट यहां पे हमारा लेटेंट हीट अभी क्या है, हमारा इस पॉइंट है और ये हमारा बॉयलर के पास आ गया, तो बॉयलर में क्या होगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हीट का एडिशन होता है, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे। अगर इसको मान लीजिए कि हमारा पॉइंट नंबर वन है और इसका एग्जिट पॉइंट नंबर टू है, तो हम इसको मान लीजिए पॉइंट नंबर वन और यह क्या है वन से, और यहां पे फोर मान लीजिए, तो ये हमारा फोर हो गया और ये हमारा वन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, वन डैश मान लेते हैं इस टेम्परेचर तक ले गए और यहां पे हम लोग का टू मिल गया। अब इसी डायग्राम को जितना मैंने बताया इसको पीवी डायग्राम में रिलेट कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग का माइंड से वो चीज निकल जाएगा। तो देखिए, ये प्रेशर होता है और ये वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम प्रेशर का रिलेशन तो आप लोगों को पता ही है, प्रेशर क्या होता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया में कितना प्रेशर का एग्जर्ट होता है, एक पर यूनिट एरिया, एक एरिया में कितना प्रेशर देना है वो
होता है, ठीक, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बस केवल आप इसके बारे में जानेंगे क्या होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि देखिए हम लोग कहां पे, हमारा प्रेशर बीएपी का कुछ प्रेशर होगा, मान लीजिए सक्शन प्रेशर हम लोग का कुछ ना कुछ होगा, 1 kg 2 kg मान लीजिए हमारा यहां पे है प्रेशर, और ये पॉइंट क्या माने थे, 4 माने थे। अब हम क्या किए, बीएपी के अंदर प्रेशर को राइज किए, तो हमारा क्या हो गया, यहां पे प्रेशर राइज हो गया, यहां पे पहले P4 प्रेशर था और यहां पे आके हमारा पॉइंट कौन सा मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो यहां पे P1 हो गया। अब देखिए यहां पे बॉयलर के अंदर क्या किए थे, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का एडिशन किए थे, मतलब यहां पे टेम्परेचर जो था हमारा वाटर था और यहां पे हम लोग का क्या मिल गया, वेपर मिल गया, बट हम लोग का हुआ क्या, टेम्परेचर यहां पे भी जो है जो वही है, लेकिन हम यहां पे फेज का चेंज किए क्योंकि यहां पे लेटेंट हीट का एडिशन करवाया। लेटेंट हीट में क्या होता है, देखिए यहां पे सेंसिबल हीटिंग हुआ, 1-4 से लेके 1- तक हमारा सेंसिबल हीटिंग होगा इकोनोमाइजर के अंदर, और यहां से हमारा 1 से लेके 2 तक हमारा बॉयलर के अंदर सेंसिबल लेटेंट हीटिंग हुआ क्योंकि यहां पे हमारा फेज चेंज हो जा रहा है। तो वैसे ही अब हम यहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम पीवी डायग्राम के अंदर प्रेशर कांस्टेंट एक सीधा लाइन बनेगा, तो हमारा ये मान लीजिए एक प्रेशर कांस्टेंट लाइन बना दिए और ये हमारा पॉइंट 2 हो गया। अब मैं आपको एक चीज बनाने के लिए यहां पे बताता हूं कि हम लोग यहां से स्टीम के अंदर एक्सपेंड क्यों नहीं करते हैं, उसके हम लोग सुपर हीटिंग यहां पे क्यों प्रोवाइड करवाते हैं, थोड़ा सा आप यहां पे देखते रहिए। अगर हम इस टर्बाइन पे इसको एक्सपेंड यहीं से कर रहे हैं, तो हमारा ये जो है हमारा लिक्विड प्लस वेपर फॉर्म के बीच में, डॉम के बीच में आ रहा है पॉइंट, तो यह क्या होता है, हमारा वेट स्टीम हो जाता है। वेट स्टीम क्या करता है, हमारा जो टर्बाइन का ब्लेड जो होता है उसको डैमेज कर देता है, उसको तोड़ देता है। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा, इसका डेंसिटी ज्यादा रहता है, वेट स्टीम रहेगा तो इसका डेंसिटी ज्यादा रहेगा, और ज्यादा डेंसिटी से वो वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी से उस पर इंपैक्ट करेगा तो उसको तोड़ देगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस स्टीम को हम लोग और जो ये यहां पे 2 पॉइंट है इसको और सुपर हीट करते हैं। सुपर हीट करने के लिए क्या करेंगे, यहां पे सेम थिंग्स को हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सेम प्रेशर में हीट का जो एडिशन होगा वो सेम प्रेशर में होगा और टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो ये मान लीजिए हमारा टेम्परेचर राइज करके, देखिए राइज करा टेम्परेचर तो हमारा ये यहां पे चला गया, इस चीज को हम लोग मान लेते हैं 2-, तो हमारा इस लाइन में प्रेशर में क्या होगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर है, तो हमारा ये पॉइंट 2 है, तो ये बढ़ेगा और ये हमारा जाएगा 2-, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हम आपको लाइन डायग्राम दिखा देते हैं कि कैसे कैसे फ्लो डायग्राम कैसे कैसे जा रहा है। अब हम आपको दिखाएंगे कि इस स्टीम को हमारा ये टर्बाइन के पास आ गया, अब हम टर्बाइन के अंदर क्या करते हैं, मैकेनिकल रोटेशन में प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके लिए हम स्टीम से वर्क करवाते हैं, ब्लेड पे वर्क करवाते हैं, रोटर हमारा रोटेटिंग स्टार्ट कर देता है। तो यहां पे देखिए हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का स्टीम जब यहां पे वर्क करने के बाद लो प्रेशर लो टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा देखिए यहां से क्या होगा, हमारा स्टीम क्या होगा, एक्सपेंड होना स्टार्ट करेगा। तो ये मान लीजिए हमारा पॉइंट आके कहीं यहां पे मिल रहा है, तो ये देखिए अप्रोक्स हमारा वेपर लाइन ही में है, वेपर लाइन वाले लाइन के बहुत ही आसपास है, यानी 90% ड्राई है ये है, यानी यह जो है हमारा टर्बाइन ब्लेड पे उतना इंपैक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसका जो स्टीम फॉर्म में रहेगा तो उसका डेंसिटी मतलब वाटर से कम ही रहेगा, तो उसपे स्ट्राइक वायलेंटली स्ट्राइक नहीं करेगा, तो हमारा टर्बाइन के ब्लेड पे उतना डैमेज नहीं होगा। सो हम लोग सुपर हीटिंग करने का मेन पर्पस हम लोग का यही है कि हम लोग इसको डैमेज होने से बचाते हैं। अब देखिए हमारा ये पॉइंट जो है, हमारा यहां पे एक एंट्रोपी कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं, और यहां पे प्रेशर कांस्टेंट प्रोसेस होता है, ये भी एंट्रोपी कांस्टेंट में कंप्रेशन होता है, मैं यहां पे लिख दूंगा अभी आपको, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जब यहां पे हमारा लो प्रेशर लो टेम्परेचर का स्टीम आ गया, तो उसके बाद हम लोग कंडेंसर के अंदर क्या करते थे, ठंडा करते थे, तो ठंडा करेंगे यानी वेपर लाइन से हम लोग सेम प्रेशर टेम्परेचर में हम लोग कहां लाएंगे, लिक्विड फेज में लाएंगे, इसीलिए हम लोग का यहां से फिर हम लोग आते हैं लिक्विड फेज में। तो ये हम लोग का साइकिल कंप्लीट। और ये देखिए यहां पे 2- है, वॉल्यूम थोड़ा सा स्लाइटली क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है तो स्लाइटली वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये 2 है
तो मान लीजिए ये 3 पॉइंट हो गया और ये तो 4 हो ही गया, तो हमारा 2 डैश से यहां पे 3 पॉइंट पे आ गया और यहां से हम लोग का ये मिल गया 4 पॉइंट। तो इस टाइप का हम लोग का पीवी डायग्राम के अंदर और टीएस डायग्राम के अंदर आपको मैं बहुत अच्छे से बता दिया। अब मैं इसका थर्मल एफिशिएंसी के बारे में बात करूंगा कि इसका थर्मल एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, और मैं अभी थोड़ा वीडियो पॉज करके आपको ये दिखा दे रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए टाइम कंज्यूमिंग के लिए मैंने थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आपको लिख दिया कि ये देखिए बॉयलर के अंदर आइसोबारिक प्रोसेस हुआ, हीट एडिशन हुआ यानी लेटेंट हीट का एडिशन किए, और कंडेंसर के अंदर हमारा क्या हुआ आइसोबारिक हीट रिजेक्शन यानी लेटेंट हीट का रिजेक्शन करवाया, टर्बाइन के अंदर क्या हुआ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस यानी टर्बाइन के अंदर हम लोग एंट्रोपिक कांस्टेंट एंट्रोपिक प्रोसेस पे हम लोग उसको एक्सपेंड करवाया, और सिमिलरली बीएफपी के अंदर क्या होता था कि हम लोग पॉइंट को राइज कर देते हैं यानी हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस होता था, यहां पे भी हम लोग का एंट्रोपी कांस्टेंट होता था, बस केवल हम लोग प्रेशराइज करते थे। तो ये चीज हमारा डायग्राम अगर आप रैंकाइन साइकिल का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो होता है आउटपुट डिवाइड इनपुट। इनपुट में क्या कर रहे हैं, हीट एडिशन कर रहे हैं, बॉयलर में हीट एडिशन कर रहे हैं, तो हीट एडिशन कहां से किए हमारा H1 से लेकर H2 डैश तक किए, और टर्बाइन में वर्क कहां से किए H2 डैश से लेकर H3, तो हम लोग का टर्बाइन वर्क क्या हो गया H2 डैश माइनस H3 हो गया, और माइनस में करते हैं कि पंप पे कितना वर्क हुआ, तो पंप वर्क, और डिवाइड कर देते हैं हीट का एडिशन 1 से लेकर 2 डैश तक, यानी हमारा जो हायर एंथैल्पी माइनस लोअर एंथैल्पी H2 डैश माइनस H1। हमारा पंप का वर्क जो होता है बहुत ही कम होता है, पंप का उसका उतना कैलकुलेट नहीं करते हैं पावर, तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, तो हमारा क्या बचा अगर इसका एफिशिएंसी H2 डैश माइनस H3 डिवाइड H2 डैश माइनस H1। तो देखिए मैं ये प्रॉपर रैंकाइन साइकिल को मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश किया हूं, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको बहुत ही अच्छे से मैं समझा पाया हूं। तो मैं अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।